चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही माँ दुर्गा का आगमन हो गया है। ऐसे में हम आपको आज देश में मौजूद तमाम माता के मंदिरों के दर्शन कराने जा रहे हैं। दरअसल देश भर के तमाम मंदिरों में भक्त माँ के दिव्य दर्शन के लिए कतार में लगे हुए दिखाई दिए। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर जम्मू के माता वैष्णो देवी के मंदिर तक भक्त नवरात्र के पहले दिन विधिवत पारंपरिक रीति रिवाज के साथ माँ का पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। भक्त दूर दूर से माता के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र के 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और अर्चना की जाती है। मंदिरों में माता को अलग अलग भोग लगाया जाता है, साथ ही माता के अद्भुत श्रृंगार कर माता को चुनरी चढ़ाकर पूजा पाठ किया जाता है। केवल मंदिरों में ही नहीं, घरों में भी लोग कलश स्थापना करते हैं और माँ की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के पहले दिन कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में भक्त माँ की भक्ति के उल्लास से सराबोर नजर आए। यहाँ पर लोग बड़ी उत्साह से माता के दर्शन करने के लिए पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान फूलों से पूरा रास्ता भी सजाया गया है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। तो वही मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी भक्त माता की आरती देखने पहुंच रहे हैं। वहां धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ माता की भव्य आरती की जा रही है। इतना ही नहीं, मुंबा देवी मंदिर को खूब सुंदरता से सजाया गया है। बात राम की नगरी अयोध्या की करें तो अयोध्या में बड़ी देवकाली माता मंदिर में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर पहुंच रही है। इतना ही नहीं, माता के मंदिरों में तो भक्तों की भीड़ है ही, इसके साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को साफ मिल रही है। वहीं पंजाब के लुधियाना के देवी दुर्गा मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रही है। साथ ही माता के दरबार को खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भी सजाया गया है। वहीं राजस्थान के जयपुर के वैष्णो माता मंदिर में भी सुबह से लोग माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित काली मंदिर में लोगों की भीड़ दर्शन करने के लिए सुबह से ही उमड़ रही है। हरियाणा के पंचकुला में स्थित मनसा देवी मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन साफ देखी जा सकती है। और तो और, वाराणसी के दुर्गा मंदिर में भी सुबह से भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।